नदीम भाई है? ये 70 रुपए का पड़ेगा, मात्र 70 रुपए का। अरे भाई साहब 70 रुपए का ग्लास पूरा पड़ेगा, और क्या चाहिए जी। ये एफजेड का पूरा कंप्लीट कवर है भाई, पूरा कंप्लीट कवर बॉक्स, किसी किसी का होता है मीटर कवर टूट जाता है। ये कितने का भाई? 150 रुपए का। ये 150 रुपए का पूरा कंप्लीट, इसमें रबड़ मिलेगी साथ में? नहीं मिलेगी, नहीं रबड़ नहीं आती। रबड़ आती मतलब ऐसे डल जाएगी, रबड़ कट जाएगा, मीटर निकलेगा तो लग जाएगी उसके पुराने। अच्छा अच्छा, अगर उसमें भी नहीं है फिर तो फिर दे देंगे हम, फिर भी मिल जाएगी, क्या नाम है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई वर्जन 2 का है ये, वर्जन 2 का। अरे वाह भाई क्या बात है, एफजेड वर्जन 2 आपने देखा होगा, ये उसका जो एफआई गाड़ी आती है, ये देखो भाई ये वाला। ये कितने का भाई? ये भी 150 का, 150 रुपीज़ का। अरे 150 रुपए का मीटर कवर, मतलब काफी ज्यादा अच्छी बात है। और सबसे बड़ी अच्छा नदी में फिट करके दोगे 150 में? हाँ फिट करके दे देंगे, फिट करके दे देंगे भाई, 500 वाली कोई बात नहीं है, बात नहीं। आपका भी प्यार बना रहा है, इनका भी प्यार बना रहा है, बिल्कुल कस्टमर बनाने वाली बात है। तो भाई ये जो मीटर है ना, सबसे पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है, ये मीटर है किस गाड़ी का ये मुझे बताओ पहले। ये इतना मैं बता देता हूँ, ये हीरो बाइक का है या स्कूटी का, हीरो कंपनी का कहने का मतलब। और ये मीटर है किसका ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये दुकान इस वक्त है नदीम भाई की, नदीम भाई की दुकान पर आया हूँ वजीराबाद। तो ये मीटर देख रहे हो किसी क्वालिटी, देखो कितनी प्यारी है, और इसका बारकोड भी लगा रखा है, और इसके पीछे जो एक नाम दे रखा है कंपनी का वो भी दे रखा है, वो है हीरो, हीरो कंपनी का ये मीटर है, ठीक है। ये देखो ये रहा, ठीक है ना, हीरो का लोगो दिख रहा होगा, बट इसको हम साइड में करते हैं। और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर काफ़ी सारे मीटर रखे हुए हैं। ये मीटर देख रहे हो, ये मीटर है जिक्सर गाड़ी का, ये देखो ये पन्नी हटा देता हूँ, ये देखो ये जिक्सर गाड़ी का मीटर। और सबसे बड़ी बात ये ओरिजिनल मीटर है हमारा, एक्सपल्स का मीटर, ये देखो ये एक्सपल्स का मीटर है, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली क्वालिटी में। और सबसे अच्छा लगता है मुझे मीटर की क्वालिटी का, एक होता ना फिनिशिंग, वो आती है क्वालिटी ओरिजिनल में, ओरिजिनल क्वालिटी होती है, तो ये वही होने वाला है, ठीक है। आपको लोगो भी दिख जाएगा पीछे हीरो का, देखो ये रहा दिख रहा है, ये देखो ये रहा। अब इसको मैं साइड में करता हूँ, और ये देखो काफ़ी सारे मीटर है, मतलब कहने का मतलब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि यार इतने सारे मीटर है तो ये कितने के मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर मोटरसाइकिल है या स्कूटी है या कोई ऐसी बाइक है जिसमें डिजिटल मीटर है पर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी गाड़ी का मीटर रिपेयर कराने के लिए। बट अभी मैं बात करता हूँ मीटर रिपेयर कराने के अलावा और भी दूसरी चीज़ों की। तो ये है मीटर रिपेयर की जो अपनी डिस्प्ले होती है, ये अपनी मीटर की डिस्प्ले है, ये देखो काफ़ी सारी डिस्प्ले है। और सबसे अच्छी बात है कि ओरिजिनल डिस्प्ले है, काफ़ी सारे लोगों को मीटर के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं ईजिली, और यहाँ पर आपको वो स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो ज़्यादा देरी ना करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी भरी पड़ी है और पन्नी से पूरा पैक ये मीटर कवर है दुनिया भर के। ये देखो अपाचे 200, 4B, अपाचे 4B, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ। ओहो भाई क्या बात है, ये देखिए भाई काफ़ी क्लास हैं, और काफ़ी देखो ये देखिए भाई, ये है बुलेट थंडरबर्ड के काफ़ी सारे ग्लास के कवर हैं। अब मैं बुलाता हूँ नदीम भाई को, और नदीम भाई से बात करते हैं कि आखिर ये मीटर है कितने के, ठीक है भाई। तो नदीम भाई आइए बताइए कि मीटर है कितने के। तो नदीम भाई पहले तो मुबारक हो आपको, आपकी एक नई दुकान आपने खोली है वजीराबाद में। नदीम भाई एक बात बताओ, जैसे कि ये जो मीटर है ये जिक्सर गाड़ी का मीटर है, ये आपके पास कितने का मिलेगा अगर कोई लेने आएगा आपसे? तो भाई जी अगर कोई वैसे तो कंपनी में अगर लेने जाओगे तो तकरीबन ये कंपनी में 3,500-4,000 रुपए का मीटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास 50% में आपको मीटर मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई बंदा अगर चल के आएगा ना यहाँ पर, तो उसको और कम दाम में मिल जाएगा। और बोलो अभी कितना कम दाम मिलेगा ये तो भाई आपको आगे ही बताएंगे हम यहाँ पर जब आओगे, ठीक है। और एक बात और, एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करूंगा, इस मीटर की नदीम भाई गारंटी वारंटी मिलेगी? पूरी गारंटी, पानी ना जाए। बिल्कुल, अगर आप कंपनी से या किसी ऐसी जगह से मीटर खरीदते हो तो वहाँ की कोई श्योरिटी नहीं है आपको गारंटी मिले ना मिले। दूसरी चीज ये है कि आपको MRP में मिलेगा, 5-6% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पूरे, 50-55% डिस्काउंट वाला, ये बहुत बड़ी बात होती है यार आपके लिए, ठीक है। और उसके अलावा नदीम भाई एक बात बताओ, ये जो पल्सर गाड़ी का मीटर है, ये पल्सर, ये पल्सर न्यू मॉडल, ये BS6 पल्सर का है, देखो यहाँ पे आपको BS6 की लाइट दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है, जल्दी से नहीं मिलेगा ये मीटर, ठीक है। कंपनी में भी इजीली नहीं मिलेगा मीटर, अगर मिल भी जाएगा तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। तो नदीम भाई अपने पास कितने का ये मीटर है? वही 50% डिस्काउंट मेरा अपना जो बताया मैंने आपको, 50% पूरा डिस्काउंट मिलेगा ऑन MRP। अगर आप अपनी, जैसे मान लो आप दूर रहते हो, बहुत दूर रहते हो, आउट ऑफ स्टेट रहते हो, तो आप वहाँ से नदीम भाई को कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके नदीम भाई से नंबर, वो मतलब एक मीटर मंगवा सकते हो गोरे पे। बात करते हैं हम साइड में, अगर आपके पास कोई मीटर ऐसा है जो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है तो आप रिपेयरिंग के लिए यहाँ भेज भी सकते हो, यहाँ पे कोरियर के लिए भेजोगे, एड्रेस आप नीचे मिल जाएगा, बाकी उसके अलावा फोन नंबर मिल जाएगा, और जब आपका मीटर ठीक हो जाएगा तो उसको वापस यहाँ से कोरियर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर, ठीक है। तो अभी हम साइड में रखते हैं। नदीम भाई एक बात बताओ, जैसे कि मान के चलो कोई मीटर रिपेयर वाला बंदा है और उसकी दुकान है, तो उसको ये डिस्प्ले का पूरा वो चाहिए, ये ऐसे डिस्प्ले चाहिए एक वाली जी, तो वो कितने की पड़ेगी डिस्प्ले, पल्सर गाड़ी की डिस्प्ले ये? अगर कोई क्वांटिटी में लेगा तो तकरीबन 400 रुपए की डिस्प्ले पड़ेगी। और वैसे अगर नॉर्मली कोई बंदा डिस्प्ले लेता, अगर कोई नॉर्मली लेता तो 800-850 की गारंटी वारंटी होगी ना? पीली ना पड़े, कटेगा नंबर, उसकी पूरी गारंटी है, नंबर ना कटेंगे ना पीली पड़ेगी।
अच्छा मतलब पूरी गारंटी टूट फूट की कोई नहीं होती, टूट की तो देखो टूट फूट की तो कोई गारंटी नहीं मिलेगा, पानी वानी जाने की कोई गारंटी नहीं मिलेगा। अच्छा नितिन भाई एक बात बताओ, ये जो प्लेटें रखी हुई हैं ये देखो भाई इधर देखो काफी सारी प्लेटें रखी हुई हैं, ये देखो ये वाली प्लेटें देखो, ये नितिन भाई कौन से मीटर की प्लेट है? ये 6G का मीटर की प्लेट है, ये एक्टिवा एक्टिवा 6G का भाई, स्कूटी गाड़ी मदरबोर्ड, अच्छा हाँ मदरबोर्ड है एक्टिवा 6G के मीटर का। तो ये मदरबोर्ड भी देखो यार एक मीटर के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज मदरबोर्ड ही होता है, अगर वो फुक गया तो समझ लो मीटर खराब है, एकदम पूरी पूरी महंगी आती है मीटर की कीमत जो है बहुत महंगी आती है। बट अगर बात की जाए नदी में अगर किसी गाड़ी का मीटर का मदरबोर्ड फुक गया है तो आपके पास कोई रिपेयर कराना आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया कितना खर्चा आएगा उसके अंदर? उसमें तकरीबन 500-600 रुपए, 500-600 मतलब ये कि बहुत ही कम खर्चा आएगा देखा जाए तो। एक बात और बताऊं भाई, BS6 जो बाइकें भी आ रही हैं एकदम हाई क्लास बाइकें होती हैं काफी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ जिक्सर गाड़ी है उसका मीटर रिपेयर हो जाएगा अपने पास? बिल्कुल हो जाएगा। और मतलब कितने टाइम में हो जाएगा, जैसे मान लो कोई बंदा आपके पास बाइक लेके आया और मीटर रिपेयर कराने के लिए आपको बाइक खुलवाई तो कितनी देर में फ्री हो जाएगा आपसे? एक घंटा मान के चलो, एक घंटे में। एक बात और बता देता हूँ, मीटर के अलावा अगर आपकी मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, CDI में दिक्कत है, मैग्नेट कॉइल रिपेयर करानी है आपको कट गई है वनवे गियर की वजह से, या फिर फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है या इंजेक्टर में दिक्कत आ रही है, तो आप वो भी रिपेयर अपनी गाड़ी में करा सकते हो यहाँ पर इजिली और गारंटी के साथ। और सबसे बड़ी बात पता क्या होगी, आपको गाड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम डे आपको गाड़ी मिल जाएगी बस। अच्छा नितिन भाई एक बात बताओ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उस दिन कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आपकी वर्कशॉप क्लोज रहती है? मंगलवार को मत आना भाई, मंगलवार को वर्कशॉप क्लोज रहती है, बट अगर आप फोन करोगे तो आपको माल जो है कुरियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा वो चीज़ जो भी चाहिए आपको। नदीम भाई एक बात और आपसे शेयर करना था मुझे, जैसे मान के चलो काफी सारे लोग होते हैं डिजिटल मीटर को पीछे कराने के लिए बोलते हैं तो वो भी हो जाता है अपने पास, आगे पीछे जो भी हो जाता है, अगर मैं बात की जाए इस वाले मीटर की तो ये वाला मीटर अपने पास रिपेयर हो जाता है, ये एनालॉग वाला जो भाई ये वाला मीटर देख लो, ये भी मीटर रिपेयर हो जाता है इनके पास, ठीक है। और इस मीटर को, ये मीटर कौन सी गाड़ी का नदीम भाई? ये स्कूटी का है मोटर नहीं, अच्छा अच्छा का। अच्छा एक बात और बता दो भाई, ये जो हीरो की मैंने बाइक दिखाई, ये स्कूटी वटकूटी जो भी है इसका मीटर देखा है, ये गाड़ी अभी तक आई नहीं है मार्केट में और इसका मीटर देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है यार, तो अपग्रेडेड है काफी ज्यादा, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ आपके साथ जो भी बहुत ज्यादा जरूरी जानने वाली है, देखो ये एक मीटर है, ये कौन सी गाड़ी का नदीम भाई मीटर? ये न्यू मॉडल एक्सेस का है ये जो आ रही है गाड़ी। अच्छा न्यू मॉडल एक्सेस का, अरे भाई साहब TVS वालों की गाड़ी आ रही है उसका ये। अच्छा TVS वालों की गाड़ी है, तो भाई ये मीटर देखो कितना ज्यादा मतलब बेहतरीन लग रहा है, एकदम जबरदस्त वाला मस्त मामला लग रहा है। तो ये भी मीटर ये नदी में कितने का होगा? ये तो तकरीबन पड़ जाएगा 1000 रुपए का आपके लिए। अच्छा अच्छा मीटर क्या बात है, मैं बोला ना डिस्काउंट 50% पूरा, मतलब ये कि कोई सी भी गाड़ी का मोटरसाइकिल का स्कूटी का मीटर आप ले सकते हो सिर्फ 50% डिस्काउंट पर गारंटी के साथ। और एक बात और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप यहाँ पर आओगे चल के तो 50-52% भी डिस्काउंट मिल जाएगा और 51% भी मिल जाएगा, मतलब आपको मिलेगा जरूर, पेट्रोल के पैसे आपके वसूल हो जाएंगे, इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। बाकी नदीम भाई की तो दुकान है कहीं दक्षिणपुरी में भी विराट मार्केट जहाँ पे आप प्यार देते रहते हो, यहाँ पर इस दुकान में भी आपको बहुत ज्यादा प्यार देना है। और एक बात और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारे सेल्फ के आर्मेचर, अली भाई सेल्फ के आर्मेचर दिखाना 4-5। तो अगर आपकी गाड़ी का कोई सेल्फ काम नहीं कर रहा है, सेल्फ की मोटर खराब हो गई है, तो काफी सारे लोग होते हैं सेल्फ की मोटर को नया डलवा देते हैं, तो भाई 1800-1900-2000 रुपए की मोटर आती है सेल्फ की, तो यहाँ पर भाई ये सेल्फ की मोटर में होता क्या है खराब एक्चुअली में? देखो या तो कार्बन खराब होते हैं जो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं 150-200 रुपए के, या तो होता है आर्मेचर खराब, और काफी सारे मैकेनिक अगर आर्मेचर खराब हो जाता है तो यही बोलते हैं कि भाई सेल्फ की मोटर अब चेंज होगी नहीं डलेगी। बट आपको बता देता हूँ अगर आप सेल्फ की मोटर भी रिपेयर कराना चाहते हो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल नदीम भाई अगर सेल्फ की मोटर का आर्मेचर खराब है, पल्सर गाड़ी है, तो उसका कितना खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली? उसमें तकरीबन 300 रुपए का खर्चा, 300-400 रुपए खर्चा आएगा, मैक्सिमम 500 ले लो चलो आप, फिर भी यार सेल्फ की मोटर तो 1500-1600 रुपए की आती है ना, 500 रुपए में आपको सेल्फ रिपेयर करके मिल रहा है वो भी आर्मेचर के साथ, और क्या चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो सेल्फ की मोटर है इसकी गारंटी कब तक रहेगी? 3 महीने की मेरी पूरी गारंटी होती है सर, 3 महीने की पूरी गारंटी रहेगी भाई, और क्या चाहिए। तो नदीम भाई एक बात और बताओ, जैसे कि आपने ये दुकान खोली है यहाँ पर अपनी जो है, ये सुबह खुलती कब है? ये सुबह 10 बजे से शाम को 7-7.5-8 बजे तक। अच्छा शाम को 7-7.5-8 बजे तक। अगर कोई बंदा शाम को 6 बजे भी आए तो आपकी गाड़ी का मीटर कर दोगे? कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कहने का मतलब ये कि एक बार आप कॉल करके आना, बिना कॉल करके मत आना, और अगर बाई चांस ये फोन नहीं पिक कर पाते तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ये आराम से आपकी गाड़ी का जो है मीटर वीटर रिपेयर हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम हो जाएगा। काफी सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं भाई मेरे को अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कम आ रही है वो बढ़ानी है, तो हेडलाइट की रोशनी भी बढ़ाने के लिए इलाज है, बहुत सारे इलाज है यहाँ पर, फ्यूल इंजेक्टर में मतलब पेट्रोल स्लो कर रहा है वो भी इलाज है, सारे इलाज है कहने मतलब ये बस है मेरे हाँ। एक बार मैं आपको मोटर दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया मोटर है जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, फ्यूल पंप की मोटर है ओ भाई सब, ये भी बड़ी तगड़ी बातचीत है। तो भाई इनकी गारंटी वारंटी मिलेगी नदीम भाई? पूरी गारंटी है, 1 महीने की तो देते हैं, वैसे तो कंपनी से 1 सेकंड की भी नहीं आती इसकी गारंटी, बिल्कुल बिल्कुल सालों खराब नहीं होती। और R15 मोटर और कितने तक की आएगी है? ये तकरीबन पड़ेगी 1000 रुपए की पड़ेगी फिट करके डाल के, फिट करके। और अगर कोई बाहर मंगवाता है बंदा तो? हाँ तो कोरियर से भी इतने की भेजते, जो कोरियर का खर्चा आएगा वो उसे देना पड़ेगा, समझ गए भाई।
और ये ऐसा नहीं कि भाई आपकी गाड़ी में ये सिर्फ आर 5 की, हर गाड़ी के मिल जाएगी। अच्छा जो BS6 गाड़ी अभी आई है, इस हीरो की स्प्लेंडर, स्प्लेंडर उनका भी हो जाएगा सब गाड़ी होगा भाई, बहुत बढ़िया बात है अपनी। और क्या चाहिए, मस्त मजेदार। तो अली भाई दुकान पे होंगे, अगर नदी भाई नहीं हुए तो यहाँ पे अली भाई मिलेंगे। पर यहाँ पे भाई ये देखिए जबरदस्त एकदम। और ये देखिए मतलब यार मैं तो देख के हैरान हूँ यार, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी के गिलास और बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। एक्टिवा के ना ये, हाँ एक्टिवा 5G, एक्टिवा 5G है। दोस्तों आपने देखा होगा मैग्नेट कॉइल भी कट जाती है, तो उसकी भी तार का जो होता है वो अंदर का जो तांबा होता है वो ये वाला तांबा होता है, ये वाला ये वाइंडिंग कर देते हैं। अगर कोई मैग्नेट कॉइल आपके मिल नहीं रही है, बहुत ही पुरानी गाड़ी है ये, तो चलो यूज करने वाला, बाकी और भी बहुत सारे रखे हैं बोरियों में भर भर के रखे हैं। देखो भाई ये बोरियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी, ये देखो भाई दुनिया भर का मीटर मीटर मामला रख रखा, वो देखो सामने भाई बोरियां रख रखी हैं। तो अभी क्या दुकान जो है ना पूरी सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे आपके साथ, इसीलिए ये सब जुड़ने की कोशिश करी हमने, क्योंकि आप भी प्यार दो इस चीज को और समझो। और आप अगर साइड में रहते हो इधर उधर तो आप फोन करके यहाँ पे आ सकते हो, आपकी गाड़ी का सारा इजीली और तसल्ली से काम होगा। करंट लोकेशन, करंट लोकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके गूगल मैप खुलेगा और अपनी लोकेशन आप आ जाओगे। गली नंबर 9 मीना मस्जिद, नियर अमीना मस्जिद, नियर अमीना मस्जिद के पास नदीम भाई डिजिटल मीटर वाले, किसी से भी पूछ लेना, बच्चा बच्चा जानता भाई। अगर आपके साथ कोई भी परेशानी हो रही है बाइक मीटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आंखें बंद करके मत आना, आंखें खोल के आना, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं आंखें बंद करके, आंखें खोल के आना ठीक है भाई। तो बस एकदम, क्योंकि भाई देखो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप जब पहली चीज देख लोगे ना तो खुद ही आपको पता लग जाएगा ठीक है भाई। तारीफ उसी की जाती है जो बहुत ज्यादा बढ़िया हो, और यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया दक्षिणपुरी का काम है और यहाँ का भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये नहीं मिले तो अली भाई मिलेंगे आपको ठीक है, अली भाई ये वाले हमारे ठीक है, बहुत शर्मीले हैं, थोड़ा सा कैमरे में शर्माते हैं, थोड़ा सा ये चीज आपको समझनी है। तो ठीक है नदीम भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। आप जल्दी जल्दी बताना दूसरी वीडियो कब आनी है किसी चीज को रिपेयर करते हुए, ठीक है भाई, थैंक यू, वेलकम।